एशली, अ रोमांटिक थ्रिलर। यह है प्रोड्यूसर स्वतंत्र गोयल, जो अपनी आने वाली फिल्म एशली के मीठे मीठे गाने गुनगुना रहे हैं। फिल्म के गीतकार अमिताभ रंजन हैं और संगीत दुष्यंत दुबे ने दिया है। फिल्म में मशहूर गायिका सुनिधि चौहान और गायक नकाश की आवाजों का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरती से किया गया है। इसकी स्टोरी मीर मुनीर ने लिखी है। हिंदी फिल्मों के दर्शकों को जल्द ही ये फिल्म देखने को मिलेगी। दरअसल ये एक रोमांटिक थ्रिलर है, जिसकी कहानी का पूरा ताना बाना गोवा और मुंबई के इर्द गिर्द घूमता है। फिल्म के प्रोड्यूसर स्वतंत्र गोयल, जो इस फिल्म में क्रिएटिव डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, वो एशली को लेकर काफी उत्साहित हैं। उनको यकीन है कि दर्शक उनकी फिल्म को बहुत ही पसंद करेंगे। एक्चुअली ये फिल्म एक रोमांटिक थ्रिलर है और हमने जो हमारे राइटर हैं मिस्टर मीर मुनीर, ही इज़ ए बिग नेम, तो उनके साथ बैठ के मैंने खुद स्क्रीन प्ले और डायलॉग इसके लिखे हैं और वो इसकी मेन स्ट्रेंथ है फिल्म की। और हमारे करेक्टर्स बहुत अच्छे चूज़ किए हैं हमने, इसका म्यूजिक बहुत अच्छा लिया है हमने, तो आई थिंक पब्लिक विल लाइक इट। स्वतंत्र गोयल बताते हैं कि फिल्म में जो भी गाने शामिल किए गए हैं वो फिल्म में सिचुएशन के हिसाब से हैं। फिल्म में 4 गानों को लिया गया है। सभी गाने यूथ और टीनेजर्स की पसंद को ध्यान में रखते हुए पिक्चराइज किए गए हैं। फिल्म के सभी गाने दिल को छू जाने वाले हैं, इसलिए इनको गुनगुनाने का जी चाहेगा। हमारे बड़े मीनिंगफुल वर्ड्स हैं उसके और हमने खुद बैठ के बार बार उसको री राइट करके वी पिक्ड अप द बेस्ट स्टफ। तो अब उसमें आपको देखने से लगेगा पता कि इसीलिए हमने ज़्यादा गाने नहीं डाले, जितनी सिचुएशंस हैं जहाँ पे मस्ट है वहीं पे डाला है गाना हमने, और उसकी वर्डिंग एकदम सिचुएशन के हिसाब से जा रही है। और ख़ासतौर पे उसकी जो मेलोडी है गाने की, वो गुनगुनाने वाले जैसे यंगस्टर्स को ऐसा लगेगा कि देखने के बाद या सुनने के बाद बार बार गुनगुनाने को मन करता है। मेलोडियस है, मतलब बहुत ये हमारी स्ट्रेंथ लगती है मेरे को म्यूजिक की। स्वतंत्र गोयल जी से जब ये पूछा गया कि फिल्म में आपको खुद कौन सा गाना पसंद है जिसे आप गुनगुनाना चाहेंगे, तो वो थोड़ा सोच कर बोले कि मुझे तो चारों गाने पसंद है, हाँ सुनिधि चौहान की आवाज कुछ ज्यादा पसंद है। मेरे को सुनिधि चौहान का ही गाना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बड़ा स्लो गाना है, जरा थोड़ा बड़ा बहका हुआ सीड्यूसिंग सॉन्ग है, बहकी हुई सी रात है, बहुत अच्छा गाया है सुनिधि, तो मतलब शी इज़ ए ग्रेट सिंगर, तो मैं तो वही गुनगुनाता हूँ ज़्यादा गाना, वो जरा मेरे टेस्ट का गाना है वो। इसके अलावा कौन कौन से गाने तो चारों ही हमारे अच्छे हैं। स्लोली स्लोली प्यार हो गया, वो बार में गाता है लड़का, फिर आजा नचला है, आजा नचला उसमें थोड़ी पंजाबी टच है, और ये नकाश ने गाया है, नकाश इज़ अ वेरी अपकमिंग सिंगर एंड ही डिलीवर द बेस्ट। और एक जो ड्यूएट है इस फिल्म में वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, उसकी पिक्चराइजेशन बहुत अच्छी की है हमारी जो कोरियोग्राफर है रेशमा जी, उन्होंने बहुत अच्छा उसको अच्छे से पिक्चराइज किया है। स्वतंत्र गोयल एशली में काम करने वाले सभी कलाकारों के परफॉर्मेंस से बहुत ही खुश हैं। वो एक एक का नाम लेकर बताते हैं कि गुरलीन चोपड़ा ने शानदार काम किया, ऐसा ही काम ऋषि भूटानी का है, शक्ति कपूर, दिनेश हिंगू और बीरबल सभी के नाम लेकर वो उनके काम की तारीफ करते हैं। एज एन एक्टर ही परफॉर्म्ड ग्रेट, और शक्ति कपूर जी का तो कोई बात ही नहीं कहने की, कितना मजे से काम करते हैं, कितने अच्छे से काम करते हैं, और एक बार डायलॉग दे दिया तो पूरा फटाफट बोल दिया, और डबिंग में भी देखा हमने, एक बार बोला तो एकदम फटाक से उनको याद होता है। मैं तो हैरान होता हूँ कि कितना एक्सपीरियंस है उनके पास और कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी, तो वी कैन लर्न फ्रॉम दिस बिग एक्टर्स। और दिनेश हिंगू जी हैं, छोटा सा रोल मिला है उनको लेकिन क्या खूब परफॉर्म किया है उन्होंने, पता चलता है कि इनकी डेडिकेशन और इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा होती थी तभी ये लोग इस लेवल पर पहुँचे हैं। बट एज आई सेड एवरीबडी परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ अवर सेटिस्फैक्शन, एवरीबडी फॉलोड व्हाट वाज गिवन टू देम एंड दे वर वेरी वेरी हेल्पफुल एंड कंट्रीब्यूटेड देयर बेस्ट।
सुतन गोयल बताते हैं कि ये फिल्म पूरी तरह से दर्शकों के मनोरंजन को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये दूसरी फिल्मों की कहानियों से थोड़ा हटकर है, इसलिए इसे दर्शक एक बार जरूर देखेंगे। फिल्म का निर्देशन केवल सिंह ने किया है। उम्मीद है कि ये फिल्म अक्टूबर महीने के अंत में दर्शकों को देखने को मिलेगी। सुतन गोयल पंजाब के रहने वाले हैं। वो नेशनलाइज बैंक में अधिकारी की नौकरी छोड़कर सन 1996 में अमेरिका जाकर बस गए थे, लेकिन उनमें शुरू से ही क्रिएटिव राइटिंग का शौक था। इस समय उनका कारोबार अमेरिका में है, लेकिन उनका शौक उन्हें बार बार बॉलीवुड खींच लाता है। एशली उनकी क्रिएटिविटी का एक शानदार नमूना है। अच्छा जरा छू ले मुझे, चाहिए है मदहोशिया, हो जाने दे इस प्यार में थोड़ी सी गुस्ताखियां। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।